बेसिकली इन दिस टॉपिक इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वी विल डिस्कस के इन ब्रीदिंग व्हाट आर द प्रोसेस दैट आर ऑकरिंग मींस इन ब्रीदिंग बेसिकली ब्रीदिंग क्या है कॉमनली इंस्पिरेशन इंस्पायरेशन एज वेल एज एक्सपायरेशन मतलब जो इनहेलेशन करते हैं जो एक्सहेलेशन करते हैं इसी को कॉमनली तो ब्रीदिंग कहते हैं यस और नो ड्यूरिंग इनहेलेशन व्हेन वी इनहेल द एयर एज वी हैव लर्न दैट द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज और इंक्रीज डिक्रीज वाओ वेरी गुड इंक्रीज इंक्रीज अरे जब हवा को अंदर लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा तभी तो हवा अंदर आएगी और इस वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए वी हैव सर्टेन पार्ट्स इन द लंग्स इन द चेस्ट कैविटी इन द चेस्ट कैविटी विच आर रिस्पॉन्सिबल इसके लिए आपके पास क्या क्या था डायफ्राम था यस एंड नो इंटरकोस्टल मतलब इंटरकोस्टल मसल्स थे अच्छा इंटरकोस्टल मसल्स दो टाइप के थे इंटरनल वाला और एक्सटर्नल वाला यस एंड नो तो इन सब चीज की वजह से जो आपका लंग्स है डोर्सो वेंट्रली आगे ना एंटेरियर पोस्टेरियरली एंटेरियो पोस्टेरियरली इनका वॉल्यूम बढ़ता है मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये आप लंग्स का ये वाला वॉल्यूम मानते हैं तो ये ऊपर वाला पार्ट हो गया एंटेरियर नीचे वाला पार्ट हो गया पोस्टेरियर हाँ कि ना अगर मैं ऐसे बात करूं तो ये हो गया आपके पास कौन सा वेंट्रल ये पीछे क्या हो गया डोर्सल तो जो इंटरकोस्टल मसल होगी तो इनके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने की वजह से क्या होगा इनका वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगा तो डोर्सो वेंट्रल मतलब कुछ इस तरीके से फैलेगा और अगर लॉन्गिट्यूडिनल मतलब कुछ अगर ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएगा मतलब कुछ इस तरीके से फैल जाएगा तो लॉन्ग मतलब की लेंथ लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में भी वॉल्यूम बढ़ रही है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी वॉल्यूम बढ़ रही है तो रिजल्ट क्या होता है कि अपना थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ती है जिनकी वजह से अंदर अच्छा जब जब आपने गैसियस स्टेट में पढ़ा है केमिस्ट्री में कि जब जब वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा घटेगा प्रेशर घटती है प्रेशर अंदर घटेगा देन व्हाट विल हैपन द अच्छा बाहर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो नीचे अंदर में प्रेशर कम होगा तो आपको पता है कि प्रेशर ग्रेडियंट भी कोई नाम की चीज होती है तो हाई एयर का जो मूवमेंट होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या इतने इतनी बात आप लोगों को मालूम है यस हाँ सो बेसिकली तो इन इन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में थोरेसिक ड्यूरिंग इनहेलेशन वॉल्यूम बढ़ेगा ड्यूरिंग इनहेलेशन वॉल्यूम बढ़ेगा ड्यूरिंग एक्सहेलेशन मतलब जब हम एयर को बाहर आउट करेंगे एक्सहेल आउट करेंगे तो इसकी क्या होगा वॉल्यूम डिक्रीज करेगा आगे ना इसी जब वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर बढ़ जाएगी जब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो यूज्ड एयर है CO2 वो बाहर चले जाएगा मतलब ऑक्सीजन तो होंगे लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में कौन होगा CO2 होंगे हाँ कि ना और ड्यूरिंग इनहेलेशन क्या होगा CO2 भी आते हैं लेकिन मैक्सिमम अमाउंट में क्या होते हैं ऑक्सीजन होते हैं तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एंड आउटसाइड टू इनसाइड एंड इनसाइड टू आउटसाइड ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड ड्यूरिंग एक्सहेलेशन ड्यूरिंग ब्रीदिंग इस तरीके से गैस की एक्सचेंज होती है क्लियर है यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताओ नहीं सर हाँ तो बेसिकली इन मैकेनिज्म इट रिक्वायर्स इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस कितने प्रोसेस में होते हैं बताइए अरे बोलो ना टू इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस और इस टू प्रोसेस के लिए हम लोग बात करेंगे टू स्टेजेस के बारे में क्लियर कितने स्टेजेस के बारे में टू स्टेजेस इन टू स्टेजेस में पहला क्या होगा इंस्पायरेशन पहला क्या होगा इंस्पायरेशन अरे कोई दिक्कत है बताओ पहला क्या होगा इंस्पायरेशन अरे आप कैन यू टेल मी कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हाट विल हैपन इनहेलेशन ऑफ एयर हाँ मतलब क्या होगा ड्यूरिंग दिस एटमोस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एटमोस्फेरिक
एयर इज ड्रॉन इन, मतलब अंदर खींचा जाता है. यस, एनी डाउट इन दिस? मतलब एयर को अंदर करते हैं ड्यूरिंग इंस्पायरेशन. दूसरे स्टेप में क्या होगा, मतलब क्या होगा एक्सपायरेशन. दूसरा स्टेज क्या होगा? हेलो, एक्सपायरेशन. तो ड्यूरिंग एक्सपायरेशन या एक्सपायरेशन क्या होगा कि इनहेल एयर को हम लोग एक्सहेल करेंगे, मतलब बाहर रिलीज करेंगे. हाँ कि ना? बोलो ना. ड्यूरिंग दिस द इनहेल एयर, ड्यूरिंग दिस द इनहेल एयर या फिर हम लोग दूसरे नाम से हम लोग क्या बोल सकते हैं, एल्वियोलर एयर इज रिलीज्ड आउट. यस और नो? यस. तो ये था आपके पास ब्रीदिंग का दो स्टेजेस, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, मतलब इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन. गॉट माय पॉइंट? आगे बढ़ो. यस. हाँ, एक स्टाइल के पॉइंट लिखिएगा कि इंस्पायरेशन जब ही होगा जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा या कम होगा एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. कम. इसमें लिखिएगा इंस्पिरेशन और इंस्पायरेशन विल ओनली ऑकर इफ प्रेशर इनसाइड द लंग्स, प्रेशर इनसाइड लंग्स विद इन द लंग्स, और इस लंग्स वाले प्रेशर को क्या बोलते हैं, इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर, पल्मोनरी इज यूज फॉर लंग्स. आगे ना, इंट्रा लंग्स प्रेशर तो बोलेंगे इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर. यस और नो? तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हाट विल हैपन इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, मीन्स द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन atmospheric pressure. Clear? So due to this what will happen, जो inside का pressure होगा as compared to outside, inner side में negative होगा कि नहीं होगा? Yes or no? So अरे समझ में आ रहा है क्या? देर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेरिक प्रेशर क्लियर है? अच्छा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन इसका रिवर्स होगा या कुछ अलग होगा? रिवर्स. तो उसके लिए एक पॉइंट लिखिएगा,
during expiration intra pulmonary pressure ज्यादा या कम? ज्यादा higher या lower? higher than atmospheric pressure. तो this type of question may be possible for your NEET exam. Clear? Higher than the atmospheric pressure. Is it clear to everyone? Yes, sir. Atmospheric pressure. Clear? Yes. आगे बढ़ो. आगे बढ़ो. हाँ सर. एवरीवन. अच्छा, इन प्रीवियस क्लासेस आई हैव एक्सप्लेन यू दैट कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड ड्यूरिंग एक्सपायरेशन मतलब इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन जो चेस्ट कैविटी होती है इसका वॉल्यूम बढ़ता है. इसमें एक डोम शेप मेम्ब्रेन होती है जो कि एब्डोमिनल कंटेंट को चेस्ट कंटेंट से सेपरेट करता है. और आज मैं एक सवाल पूछने वाला था ड्यूरिंग टेस्ट बट मैंने पूछा नहीं क्योंकि मैंने आई थिंक पढ़ाया नहीं था. कभी कभी आपको हिचकी होती है, इसको हिक्कप होती है, ऐसा क्यों होती है? डायफ्राम जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होता है इसके लिए. मतलब डायफ्राम में एक रेगुलर मूवमेंट होती है. If that regular movement is somehow interrupted, means disrupted, मतलब कि irregular movement होने लगती है, तब आपको हिचकी आने लगती है. लेकिन जहाँ पे जिस समाज से आप belong करते हैं, वहाँ पे क्या कहा जाता है कि आपको कोई याद करता है, आगे ना? Maybe it is possible कि आपको कोई याद करता हो या करती होगी, लेकिन due to ऐसा क्यों होता है? Diaphragm का irregular movement. Clear है? अच्छा, yes. अगर बात करें किसके बारे में, तो एक अगला सा टॉपिक लिखेगा इंस्पिरेशन या इंस्पायरेशन. सर? हाँ सर. सर मैं मुंबई में नहीं हूँ. वेट. तो मैंने बताया कि ड्यूरिंग इंस्पिरेशन कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा क्या क्या होता है? हु विल एक्सप्लेन? बोलो कोई, तो आगे बढ़ो. इज इट एक्टिव प्रोसेस और पैसिव प्रोसेस? एक्टिव. हाँ, ये एक्टिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें एनर्जी लगती है. तो जहां जहां एक्टिव प्रोसेस होगी इसका मतलब वहां पर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा. अरे होगा कि नहीं? हेलो, इट इज एक्टिव प्रोसेस. इट इज एक्टिव प्रोसेस. एनी प्रॉब्लम? नियरली इट टेक्स 2 सेकेंड. आप ऐसा करके देख सकते हैं, इनहेल कीजिए, इनहेल करके देखिए, मालूम चल जाएगा कितना टाइम लगता है. हाँ जी, तो इट टेक्स अराउंड 2 सेकेंड. यस एंड नो? हेलो. यस. एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन there is contraction during this, yeah, we can say during inspiration the contraction in diaphragm. Generally ye is condition
टेंशन पे रिलैक्स होती है। अब ऑब्वियसली अगर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये वाला पार्ट नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? नीचे। मतलब ये हुआ ना कि जो ये वाला वॉल्यूम लंग्स का ये कवर कर रखा था, मतलब चेस्ट कैविटी ये कवर कर रखा था, अब ये खाली हो गया, नीचे आ जाएगा। मतलब ये वाला वॉल्यूम दिस इज ऑक्यूपाइड बाय द लंग्स, यस और नो? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम और क्या होगा बताइए? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, टेक्स्ट प्लीज। क्या लंग्स मसल से बना हुआ होता है? यस। लंग्स मसल से बना हुआ होता है, क्या मैंने ये पढ़ाया है? अरे बोलो, क्या भूल के देख रहे हो, बताइए। क्या मैंने कहा था कि ये मसल से बना हुआ होता है? टेल मी। अच्छा, यहाँ पर देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एज वेल एज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ध्यान रहे एक्सटर्नल है, यहाँ पर हमने इंटरनल की बात नहीं की है। अरे बात समझ रहे हो क्या? देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरकोस्टल मसल्स टिल नाउ, क्लियर है? तो मालूम चला कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन व्हाट विल हैपन, द कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम एज वेल एज इंटरकोस्टल मसल्स, जिनकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा पोस्टीरियरली एज वेल एज, मतलब जब हम इनहेल करते हैं ना, जब ध्यान से देखोगे, जनरली वी डू बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग, देयर इज चेस्ट ब्रीदिंग और वी कैन से ब्रेस्ट ब्रीदिंग, एंड अनदर इज स्टोमक एब्डोमिनल ब्रीदिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से एनालाइज करने की कोशिश करोगे, तो ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आपका एब्डोमेन में मूवमेंट होती है, लंग्स में मूवमेंट नहीं होती या थोड़ी बहुत होती है, क्लियर है? वहीं पर इफ अ लेडी इज प्रेग्नेंट, वहीं पर इफ अ मेल्स तो प्रेग्नेंट होते नहीं है, ऐसा होता है क्या? नहीं होते ना। हाँ, इफ द लेडी इज प्रेग्नेंट, इसका मतलब जो उसका एब्डोमिनल कैविटी का जो स्पेस था, that is occupied by the uterus, मतलब or the by the embryo, मतलब उसमें movement हो नहीं पाएगी, इसीलिए उसमें क्या होता है, chest breathing, मतलब breast breathing होती है, clear है? Generally, normally we do abdominal breathing, clear है? अच्छा, during inhalation क्या होता है, आपका जो chest cavity मतलब rib cage है, upward and outward फैलती है, clear है? डोर्सो वेंट्रली फैलती है, पोस्टेरियरली और एंटेरियरली फैलती है, जिनकी वजह, इन सब रिजल्ट की वजह से आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ता है। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट, डायफ्राम बिकम्स फ्लैट and it is pushed towards abdominal cavity, clear to everyone? मतलब क्या होगा, sternum upward and outward move करेगी, अरे हाँ कि ना, sternum is the breast bone or the chest bone बोलते हैं, हाँ कि ना? Yes sir. Sternum मतलब दोनों ventrally जो ribs आगे जो मिलते हैं, जिस part से मिलते हैं उसको बोलते हैं sternum, it is the flat bone, हाँ कि ना? तो sternum moves
towards ventral and anterior, मतलब अपवर्ड एंड आउटवर्ड, आगे ना अपवर्ड एंड आउटवर्ड, क्लियर, वेंट्रल एंड एंटेरियर डायरेक्शन, क्लियर टू एवरीवन? यस, आगे बढ़ो क्या? Should I move to next? Hello. Yes, sir. इसमें next point लिखिएगा. Sir, आपने ribs के बारे में तो बात ही नहीं किया. अच्छा हाँ. Ribs से याद आया. जब ribs में तो कुछ movement होगी ना. तो yes, ribs sir. Basically outside as well as ventral side move करेगा. अरे हाँ कि ना? क्या बोला मैंने? Ribs moves towards outside as well as ventral side. Ribs moves. Rib moves towards outside. Outside. And ventral side, outside as well as ventral side में इस तरीके से इसमें movement होती है, clear है? Yes sir. और इन सब directional movement होने की वजह से क्या होती है? क्या होती बोलिए? Volume of थोरेसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज, क्लियर टू एवरीवन? यस यस सर, जिसकी वजह से, अच्छा, जो लंग्स में, लंग्स इज सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन और टू मेम्ब्रेन और इट इज मेम्ब्रेनलेस, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेन, यस और नो? तो क्या उसके अंदर प्लूरल फ्लूइड था क्या? यस सर। अच्छा, जब इसके अंदर का थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो जो प्लूरल फ्लूइड है इसके अंदर की प्रेशर, फ्लूइड है तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो क्या प्रेशर का मतलब फ्लूइड है तो उसका प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? जो लंग्स पे वो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा था तो प्रेशर घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा, कम होएगा, कम होएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब जब प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब वॉल्यूम कम होएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अरे बात समझ में आई क्या? यस। तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज, सो मैंने क्या बोला, प्लूरल फ्लूइड, क्या बोला मैंने, प्रेशर ऑफ प्लूरल फ्लूइड, प्रेशर ऑफ प्लूरल फ्लूइड ओवर लंग्स इज डिक्रीज्ड, गॉट माय पॉइंट? यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर। हाँ, ऐसा क्यों होता है? As we know, lungs is spongy in nature, so it expands. Yes or no? Due to the spongy nature, clear? Yes or no? Lungs expands. Any problem?
यस नो सर आगे बढ़ो बोलो अब इन सब चीज होने की वजह से लंग्स के अंदर का प्रेशर घट जाएगा यस एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिनकी वजह से एयर अंदर आएगी द एयर विल रश इनटू द लंग्स फ्रॉम आउटसाइड थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एज वी हैव लर्न्ड इन अर्लियर क्लासेस क्लियर थ्रू नोज थ्रू नॉस्ट्रिल्स थ्रू नेयर्स देन फिर नेजोफेरिंग फेरिंग लैरिंग इस तरह पास विंड पाइप ट्रेकिया इस तरह करते करते पास हो जाएगी हाँ कि ना एंड फिल्स द लंग्स लंग्स में क्या फिलअप करेगा वो अल्वियोलाई यस और नो एंड अल्वियोलाई द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स यस और नो हेलो यस सर Yes.